इंटरप्ट करते हैं, वही इंटरप्ट था लेकिन उसमें एल के लिए था कि हमारा इंटरव्यू है। एक बार आप देखें कैरम में क्या कहा जा रहा है, लेट एस बी ए नॉन इंटरसेक्शन ऑफ आर, आर आपका कोई रियल नंबर का सेट है और उस आर का जो आई एस एक नॉन इंटरसेक्शन है। फिर आप कहा जा रहा है बताएं एलिमेंट यू बिना चुन बार एक कोई एलिमेंट है जो आर का एलिमेंट है, इफ दोस्त टू थ्री को आर मुस्तफर बाउंड आप एस आर का जो एलिमेंट यू है वो इस प्लस का सुप्रीमो या उसी को नीचे तो पर बाउंड करते हैं, यदि हो तो ये फिर डिपेंडेंट लिखा जाए। जब डिपेंडेंट लिखा जाए इसका मतलब उसमें दो रिजल्ट, पहले को टू मानो तो अगले को दिखाएंगे और नेक्स्ट को टू मानो तो फिर हम पहले वाले को टू करेंगे। तो यहाँ दो रिजल्ट कौन कौन से हैं, तो ये जो आर का एलिमेंट यू है छोटा कोई भी एलिमेंट आर का है तो वो बन
क्योंकि लिस्ट का काउंट तो जो यस के अपर काउंट होंगे उनमें जो सबसे नीचे होगा वो लिस्ट का काउंट होगा। तो हमको ये रिजल्ट माने हैं कि आर का यह एलिमेंट जो यू है वो एस का लिस्ट का काउंट है, तो उससे पहला कंडीशन यह यू एस का लोअर काउंट होगा और यस का यू लोअर काउंट होगा उसी से आपको एक पहला रिजल्ट मिलता है। अब देखते हैं क्योंकि
कोई सबसे लिस्ट क्यों हो गया, कोई लिस्ट का नाम नहीं है उसमें, लेकिन सपोज किया गया कि यही लिस्ट का नाम है, तो यह यू लिस्ट का नाम तब बना जाएगा कि इससे छोटा कोई एलिमेंट अगर बात हो ही ना, तो अब यह यू माइनस एप्साइलन यू से छोटा है और यू लिस्ट का नाम है, इसलिए यू माइनस एप्साइलन एस का लोअर बाउंड नहीं है। तो यहां पर यू माइनस एप्साइलन लेस देन यू एंड यू इज लिस्ट अपर बाउंड आर एस, दिस इंप्लाइज यू माइनस एप्साइलन इज नॉन अपर बाउंड आर एस, इस चीज को फिर पार्ट किया था, ये कोई चीजों से बड़ा नंबर है जिसको हमने एप्साइलन से डिनोट कर लिया, इस एप्साइलन को यू से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो जब यू में से एक पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली यू से छोटा हो जाएगा, यू को लिस्ट का नाम बना गया है, यानी एस के जो जितने भी अपर बाउंड है उसमें सबसे छोटा यू ही है और यू माइनस एप्साइलन यू से छोटा है, इसलिए इससे छोटा एलिमेंट एस का अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट यदि एस का अपर बाउंड हो जाएगा तब ये लिस्ट अपर बाउंड न होकर के तब ये लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, जबकि इसको सपोज किया गया कि ये लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए यहां से जो यू माइनस एप्साइलन जो होगा वो हमारा एस का अपर बाउंड नहीं होगा, अब जो यू माइनस एप्साइलन एस का अपर बाउंड नहीं होगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, फिर एक एग्जाम्पल आप इसको और क्लियर करने के लिए आपको दे रहे हैं, इसका इससे इसके प्रूफ का उसकी जरूरत समझने के लिए, जैसे हमने क्या किया, ये हमने सेट किया जैसे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ऐसा हो और इसका ये सबसे कम में लेंगे, ये आपका आर ये जो टोटल है उसी को हमने आर ले लिया, ये आपका आर इसका एक सबसे ले लो कोई एस, हमने एक सबसे इसका ले लिया यू एस, इस यस के एलिमेंट थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा है, अब आप देखो इस यस के कोई एलिमेंट जो सबसे बड़ा है, यस का सबसे बड़ा एलिमेंट है सिक्स, तो जो यस सिक्स हुआ और सिक्स से बड़े जितने भी आर के एलिमेंट होंगे, तो यहां आर का कोई एलिमेंट लिया गया सिक्स और सेवन, तो जो यस का सबसे बड़ा एलिमेंट है वो और उससे जितने भी बड़े होंगे वो सब यस के अपर बाउंड और इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा हुआ हमारा यहाँ सिक्स है वो इसका लिस्ट अपर बाउंड है, और सिक्स से छोटा कोई एलिमेंट लोगे तो हमारा ये अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट यदि अपर बाउंड हो जाए तब ये लिस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगा, तब ये लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, तो अब चूंकि यह सिक्स से ही लिस्ट अपर बाउंड है, सिक्स से छोटे के सभी नंबर ये एक भी अपर बाउंड नहीं है, अब आप देखो कि जो फाइव है वो सिक्स से छोटा है तो यह अपर बाउंड नहीं है, ये अपर बाउंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे यस का जब इससे एक एलिमेंट भी यदि बड़ा मिल जाए तब यह हमारा अपर बाउंड नहीं होगा, अपर बाउंड वो होता है कि जिससे बड़ा इससे का एक भी एलिमेंट इसमें न मिले, यानी वह सिक्स है तो सिक्स से बड़ा एलिमेंट सेवन है उससे बड़ा एलिमेंट दस में कोई नहीं, लेकिन जब फाइव है तो फाइव से बड़ा एलिमेंट एक आपको सिक्स मिल गया, इसलिए ऊपर हम नहीं फोर है, फोर से बड़े दस के कोई एलिमेंट मिले इसलिए हमारा ऊपर हम नहीं, तो हमने यह समझा कि कोई एलिमेंट इस दस का ऊपर हम कभी नहीं होगा जब दस का एक एलिमेंट कम से कम इससे बड़ा जरूर हो जाए, इसी चीज को आप यहां देखो U आपका लिस्ट का बाउंड है, एप्साइलन को जब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आपका U माइनस एप्साइलन इससे छोटा होगा, तो छोटा पहले आएगा बड़ा आगे जाता है, अब यह U
you are yourself saying you sin to God. Or you are going to be this type of God. This is your sin to God. Amen. Or by God, that's what I say. Look at the other one. What I got to be this type of God. Amen. Or you are you are yourself saying this is your stuff. Or by God, what am I doing? Or by God, what am I doing? It's not so clear. Your stuff. What is it? I'm getting to do everything. But how? Todavía, hermano, desde la mano de Piper, de Piper, hermano, ¿cómo le iba? Yo no estaba en el momento que se ponía separado. Y por otro lado, ¿cómo le iba? Yo no estaba en el momento que se ponía separado. Vale, hermano. Tú, dices, hermano, no hay más que se ponía, 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 no hay más que se ponía. O no hay más que se ponía, o para cuando todavía no hay. Yo no sé cuál se ponía en el momento de luz, yo y se separa, a mí me preocupa. Entonces, yo y el niño se va a decir, o para bravo, o si fue expuesto en el cuadro, que va a estar chulo. Entonces, el niño se va a decir, o el niño se va a decir, o para cuando todavía no hay. Yo no sé cuál se ponía en el momento diferente de luz, entonces, yo no sé cuál se ponía en el momento de luz. E se é isso que aconteceu com a minha pergunta de orgulho, diga, de hoje o mais necessário sair, você é bravo já, olha aí, eu não sei o que eu quero dizer. Claro, é bom. E o mais necessário não tem nada ainda para falar na peça. Sim, sim. Sim, sim. E o mais necessário não tem nada para falar na peça. Para vos, ¿no?
हमने ये दोनों रिजल्ट सही है, ऐसा हमने लिया और तो हमको पहला रिजल्ट यानी जो आर का रिजल्ट यू है वो लिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग का स्थिति में है, ऐसा आपको प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करें, पहला तो यह है कि आर का जो रिजल्ट यू है जो यू एस का लिस्ट ऑफ अकाउंट हो गया तो यू को लिस्ट ऑफ अकाउंट है यह दिखाने के लिए दो चीजें दिखानी पड़ेगी। पहला तो ये यू स्वयं में ऑफ अकाउंट हो और दूसरा यू से छोटा कोई भी एलिमेंट बने तो वो है यस का ऑफ अकाउंट बन गया। तो जब यू से छोटा यस का कोई एलिमेंट बने और वो ऑफ अकाउंट न हो इसका मतलब यू ही हमारा लिस्ट ऑफ अकाउंट हो जाए। जब ये दोनों चीजें हम दिखा देंगे तो हमारा पहला कॉम्प्लीट हो जाए। तो पहले यू को लिस्ट ऑफ अकाउंट दिखाने के लिए पहले हमें दिखाएंगे कि यू इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस। तो यह दिखाने के लिए देखो ये दोनों कंडीशन जो दिया गया उसके एग्जांपल है। तो पहला कंडीशन ये है, पहला यह जो यू है जो हमने मुसब्बत किया कि यू है वो आपका यह आर और इसका यह एस सबसेट नाम की सबसेट और यू ऐसा एलिमेंट किस आर का है जिसमें जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट से जो यू ग्रेटर है या इक्वल है यानी किसी एलिमेंट से छोटा नहीं और यू को यस का मतलब बंद होने के लिए नहीं चाहिए। तो जो पहला कंडीशन है वो वही कंडीशन है जो यू को यस को अपर बाउंड होने के लिए चाहिए। तो अब बात ये है हाँ कंडीशन वन एक्स लेस आर इक्वल टू यू आर आर लेस ग्रेटर देन एस दिस इंप्लाई यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। पहला चीज तो हमको यू को लिस्ट ऑफ अपर बाउंड दिखाने के लिए चाहिए तो यू को ऑपर बाउंड होने का जो कंडीशन है वो कंडीशन आपका पहला है आइए है ये ट्रू है इसको सोच किया गया इसलिए पहला कंडीशन इसका ऑपर बाउंड यस का होगा ही ये आपको देखें। लेकिन हमको यू को केवल ऑपर बाउंड नहीं दिखाना है उसको लिस्ट ऑफ बाउंड दिखाना है। तो यू को लिस्ट ऑफ बाउंड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे जैसे जो यू ऑपर बाउंड हो गया अब हम ये सपोज करेंगे कि यू से यदि कोई छोटा एक एलिमेंट लो यू डैश यानी सबसे छोटा कोई एलिमेंट यू डैश है और यदि वो अपर बाउंड न हो तब हमारा यू लिस्ट अपर बाउंड हो जाए क्योंकि यदि यू से छोटा नंबर यदि अपर बाउंड होगा तो अभी ये लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो पाएगा वही एलिमेंट अपर बाउंड हो जाएगा जो इससे छोटा है। लेकिन यदि इससे छोटा कोई एलिमेंट अपर बाउंड हो ही ना और यू ऑपर बाउंड है इसलिए यू ही लिस्ट ऑपर बाउंड हो जाएगा और हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो और क्या करते हैं यू से छोटा कोई एक नंबर यू डैश लेते हैं और हम ये दिखाएंगे कि यू से छोटा यू डैश कोई भी एलिमेंट है वो ऑपर बाउंड में नहीं होगा। तो इस चीज को दिखाने के लिए एक और क्या है लेट यू डैश बिलोंग टू आर सच दैट आर में आर का एक एलिमेंट यू डैश यू से हमने छोटा लिया और यदि इससे छोटा एलिमेंट जो लिया यदि यह ऑपर बाउंड हो जाएगा तब यह यू लिस्ट ऑफ अपर बाउंड नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट हमको ऑपर बाउंड मिल जाएगा और यदि यू डैश आर का ऑपर बाउंड नहीं होगा तो हमारा यू ही लिस्ट ऑफ अपर बाउंड हो गया क्योंकि उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होगा। तो अब हमें दिखाएंगे कि यू डैस लिस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड नहीं होगा। अब यह यू डैस अपर बाउंड नहीं होगा इसको दिखाने का प्रोसीजर क्या है। अब देखो यू डैस छोटा है और यू हमारा बड़ा है इसलिए बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां से यू डैस लेस देन यू
आपका बड़ा है यू वर्सेस छोटा है तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव देगा तो हमारा यू माइनस यू प्लस ये पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव को डिनोट किया है साइड क्वेश्चन में तो यदि पॉजिटिव लो है तो इसी को हम क्या साइड कर देंगे तो यू लेफ्ट यू माइनस यू डैश इक्वल टू एक्स आई क्योंकि एक्स आई का ये भी कंडीशन है तो पॉजिटिव है और यह यू माइनस यू डैश पॉजिटिव है इसलिए इस पर ट्रेडिंग दिया जा सकता है तो उसको हमें एक्स आई कर देंगे अब यहां से आप देखोगे यू माइनस एक्स आई का वैल्यू यहां लाना है तो यू माइनस एक्स आई का वैल्यू तो यू माइनस एक्स आई का वैल्यू का जब एक्स आई का वैल्यू धरवा यू डैश को धर लेगा तो यू माइनस एक्स आई का
tiene nombre. Less than U test is for denote the action of something. Any number U best less than U is not prime proper bound of S. कि हमारा S का आपका bound U से छोटा कोई number नहीं हो पाता. What U जिसको कंप्लीट दिखाना है कि जो सेट
कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेड स्कोर उस असर को जैसे हम कोई दस को दिखाना होती है कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेड स्कोर तो यह दिखाने के लिए और इस दस का एक नॉन इंटी सबसेट लेंगे और वो नॉन इंटी सबसेट कैसा कि उसका वो बाउंडेड जीरो हो गया उसका लोअर बाउंड मिले यानी जिसको कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेड स्कोर करना है इसका कोई एक सबसेट ले लो एक इसका कोई एक सबसेट ले लो एक और यह एक कोई सबसेट का लेना है और वो यस का ही लेना है जिसको कंप्लीट दिखाना उसी का लेना है लेकिन कैसा सबसेट लेना है यदि कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेड स्कोर दिखाना होगा तो यह सबसेट एस का ऐसा लेना है जिसका लोअर बाउंड मिलता हो यदि उसका लोअर बाउंड नहीं मिलता है तो हम एस का ऐसा तो यह यस का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऐसा हो जो बाउंडेड भी हो या उसी को दूसरे वर्ड में कि उसका लोअर बाउंड मिलता क्योंकि जिस सेट का लोअर बाउंड मिलता है वही बाउंडेड भी हो और जिसका अपर बाउंड मिलता है वो बाउंडेड एवं होता है तो हमारा यह एस को कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेड दिखाने के लिए इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट और उसका लोअर बाउंड भी है तो इसका लोअर बाउंड मिल गया है 1 2 3 से लोअर बाउंड
एस जो है वो हमने ऐसा सोच किया है इस यर का एन का जो हमारा बाउंडेड बीम है, तो एस सबसे क्या दिस इज बाउंडेड बीम, ये हमारा बाउंडेड बीम है। तो बाउंडेड बीम है सिंस या बिकार वन टू थ्री आर लोअर बाउंड ऑफ एस, यस के लिए हमको लोअर बाउंड मिल जाए और ये कोई एक सब्जेक्ट है जिसके लोअर बाउंड मिले तो वही बाउंड टू। तो देखो यस हमने ऐसा दे दिया इसका लिस्ट इसका अपर लोअर बाउंड मिल रहा है, ये हमारा बाउंडेड जीरो है। तो जो हम कंडीशन सोचक लेने का है उस कंडीशन पर चला जाएंगे। अब दिखाना क्या पड़ेगा तो हम अपनी तरफ से भी और यही वैल्यू तुम यहाँ 100 से लेकर के और 1000 तक ले सकते हो, कोई सब्जेक्ट हो तो 90 होना चाहिए और उसका लोअर बाउंड मिलना चाहिए। तो 100 से लोगे तो 100 और उसके नीचे के सारे प्रॉब्लम उसके लोअर बाउंड, तो ये लोअर बाउंड हमको चूज करना है और जो भी टेस्ट करो के लिए कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि हम इसका एक सब्जेक्ट जिसको कंप्लीट दिखाना है उसका एक सब्जेक्ट है जिसका लोअर बाउंड मिले, तो हमने यह सिलेक्टर में एक सब्जेक्ट लिया जिसका लोअर बाउंड मिल रहा है। तो ये कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंड लेने से यह हो इसके लिए दिखाना क्या पड़ेगा कि जो इसका लिस्ट लोअर बाउंड मिला उसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो यानी वन टू थ्री ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो जो सबसे लोअर उसमें होना चाहिए तो जो यह ठीक है वो इसमें है। इसलिए एक इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंड, या जो नेचुरल नंबर होगा वो हमारा कंप्लीट होता है विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंड। तो क्यों होगा इधर या केवल एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कोई सब्जेक्ट तो सबके लिए होना चाहिए। अभी आगे जो बात को ध्यान जा रहा है वो थोड़ा सा है कि एक का कोई एक सब्जेक्ट लेना है तो यह तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो कोई सब्जेक्ट लोगे तो वह किसी नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो इसका सब्जेक्ट तुमने लिया हो किस से स्टार्ट होगा, यदि कोई दूसरा सब्जेक्ट एस का ले लो यदि वह तुम्हारा सपोज कर लो कि वह 10, 11, 12 से लेकर 100 तक आता है, 100 तक आता है, तो यह जब नेचुरल नंबर का ही सब्जेक्ट लेता है तो किसी न किसी नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा, तो जिससे स्टार्ट होगा तो केवल इसी और इसके लिए ना कि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं, तो जिससे स्टार्ट होगा वो और उससे लेस सारे नेचुरल नंबर इस यस के लोअर बाउंड में, और क्योंकि इसमें सबसे छोटा ही है तो ये भी लोअर बाउंड, तो उन सभी लोअर बाउंड में से वन टू थ्री से लेकर के 900 सब इस यस के लोअर बाउंड में, तो सब जब लोअर बाउंड में इसका मतलब इसमें ये नहीं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और जब टेन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ तो ये सेकंड एन से ही शुरू हो रहा है इसलिए उससे कम हुआ है। तो कोई नेचुरल नंबर होंगे और जब उसका कोई ये नेचुरल नंबर है उसका कोई सब्सेट होंगे तो वो इसका सब्सेट देंगे तो किसी न किसी नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा, और जिस नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा वो और उससे छोटे सभी लोअर बाउंड होंगे उसके, और जिससे ये सब्सेट शुरू होगा उसका सबसे छोटा एलिमेंट ही इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वो इसका हो रहा है। तो यानी नेचुरल नंबर का कोई सबसेट है जो बाउंडेड बिलो हो तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफरेंटली जो सबसेट ये है जो बाउंडेड बिलो है उसी में पड़ेगा, इसलिए जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंड होगा। और इसके बाद से नेचुरल नंबर का कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस ये हम चेक करेंगे, फिर ऐसे इंटीजर को चेक करेंगे तो कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस और अपर बाउंडेडनेस है कि नहीं, ऐसे रैशनल नंबर को चेक करेंगे तो कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस और अपर बाउंडेडनेस है कि नहीं, ऐसे इंटीजर नंबर का तो ये सारे टर्म्स आएंगे। लेकिन अभी लोअर बाउंडेडनेस क्या है उसका एक कांसेप्ट आपको दिए और एक एग्जांपल दिए। Next one.
ध्यान आपको बताया गया एक इंफॉर्मेशन आपको और देना है। कई बार आप देख रहे हो कि वीडियो आ रहा है पर आप कहीं आ रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे नहीं दी जा सकती, इसलिए इसमें एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। तो यदि आप चाहते हैं कि चैनल पे क्या हो रहा है उसका न्यूज आप तक पहुंचे तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो जैसे जिस दिन नहीं चलेगा तो आपको मैसेज वहां उस पर दे दिया जाएगा, या कभी अतिरिक्त टाइम पर भी बुलाया गया, यानी जो भी विशेष बात होगी वो सूचना आपको मिलती है। इसलिए टेलीग्राम का चैनल यदि सूचना की जरूरत महसूस